अच्छा बताओ, जो है तीन तीन बात, देश में भ्रष्टाचार खत्म करना हो तो तीन सूत्र बताओ। एक तो मजबूत लोकपाल बनाना, ठीक है, और सीबीआई को स्वायत्त करना, ये तो पांच संस्थाओं को मजबूत बनाना। बनी भी चार संस्थाएं हैं, एक सीबीआई है, एक सीवीसी है, एक कैग है, एक चुनाव आयोग है, और एक लोकपाल और बना दो। ये पांच संस्थाएं मजबूत बन जाएं तो भ्रष्टाचार पर बहुत अंकुश लग सकता है, पांचों कंट्रोल कर लेंगी। लोकपाल तो सारे देश के भ्रष्टाचार को देख लेगा, फिर उसको सीबीआई को जिसको सौंपना चाहिए सीबीआई को सौंप देगा, सीबीआई को स्वायत्त पहले करना पड़ेगा। फिर जिसको कैग को सौंपना है, कैग आर्थिक भ्रष्टाचार को चेक करता है कि सरकार के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा उसमें फिर खर्च हुआ, ये कैग ही तो सब कर रहा है। अभी क्या हुआ, एक पहली बार ईमानदार कैग आया, उसका नाम है जो है विनोद राय, क्या नाम है उसका, नहीं तो इससे पहले कितने कैग आए किसी को पता है? जैसे एक बार चुनाव आयोग आया तो उसने बताया कि भाई चुनाव आयोग में तो बड़ी पावर है, क्या नाम था उसका, है शेषन, टीएन शेषन, बोलो भाई ये आदमी सच्चा। तो ये पहले कैग बनते रहते थे लेकिन ये अपना चाटुकार बैठा देते थे, अपना ही कठपुतली, लेकिन ये पहली बार, ये संवैधानिक संस्था है। तो कैग का काम है देश, ये जल जंगल जमीन बेच रहे हैं ना, वो सारी चीजों के, ये थोड़े दिन और इनको सबको ठिकाने लगा देगा। ये सारे घोटाले किसी नेता ने बाहर नहीं निकाले, ये कैग ने बाहर निकाले। ये चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे जो है ये कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, तमाम घोटाले कौन बाहर निकाल रहा है, कैग ये बता रहा है कि भाई ये देखो ऐसे ऐसे देश नीलाम कर रहे हैं। तो ये आर्थिक जितने भी घोटाले उनको कौन चेक करेगा, कैग, और फिर इनकी जांच कौन करेगा, सीबीआई। और तीसरा इलेक्शन कमीशन, ये चुनाव में घोटाले होते हैं इनको कौन कंट्रोल, चुनाव जो आयोग है, इलेक्शन कमीशन मजबूत हो जाए ना, मजाल किसी के को दारू बांट दे, मजाल किसी की को नोट नोट के बदले वोट ले ले, मजाल किसी के को इधर उधर की बकवास कर दे, लेकिन वो मजबूत होना चाहिए। लेकिन उसका डंडा मजबूत नहीं होता, क्योंकि अभी भी उसके बाद आपने देख लिया सब ठंडे ठंडे ही है, डंडे हैं ही नहीं उनके। फिर एक है सीवीसी, ये हर एक डिपार्टमेंट में विजिलेंस होता है, चीफ विजिलेंस कमीशन। वो विजिलेंस में क्या, उसमें भी घोटाले हो रहे हैं, आपने देखा, वो सीवीसी उसी को बढ़ा देते हैं तो महाभ्रष्ट होता है, तो नीचे वालों का मैं ही भ्रष्ट हूं, मैं दूसरे ने क्या कहूंगा। एक आदमी ईमानदार होता है तो पूरा सिस्टम ठीक होता है। पतंजलि योगपीठ में मजाल कोई आदमी आकर के दारू पी ले, क्यों, मैं नहीं पीता, और जिस दिन मैं पीने लग गया मैं किसी को रोक नहीं सकता। बात समझ में, ये मोटा सा उदाहरण दिया। इसलिए अच्छाई और बुराई ऊपर से चलती है, ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री जहां से बह रही है वहां से रोक दिया तो नीचे सारे घाट अपने आप साफ हो जाएंगे। अच्छाई और बुराई ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, पानी हो या पाप हो, पानी हो या पाप हो, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ गई गई भी गंगा नहीं जाती, यह बात। तो एक तो ये भ्रष्टाचार को दूर करने का, दूसरा जो रोजमर्रा का भ्रष्टाचार है, आप लोग काम कराने जाते हो सरकारी ऑफिसों में, जन्म पत्र लेने जाओ, मृत्यु प्रमाण पत्र लेने जाओ, कुछ भी काम कराने जाओ तो क्या है, पैसा दे दे बाद में, रजिस्ट्री कराने जाओ, दाखिल खारिज कराने जाओ, कोई भी काम कराने जाओ, क्या कहें, पैसे लाओ काम कराओ। तो तनख्वाह किस बात के लिए, बोले उससे तो घर गुजारा नहीं होता, तो घर गुजारा नहीं होता तो हट, दूसरा तो बहुत बेरोजगार घूम रहे हैं वो बैठ के करेंगे। अरे कितना 25, आज तो कोई भी सरकारी कर्मचारी को, चपरासी को भी कितना मिले, चपरासी का भी वेतन कितना है भाई, 20-25 हजार। अब 20-25 हजार है, और वो भी यूं कहे फाइल तब आगे खिसकाऊंगा जब पैसे दोगे। जिसका जहां दाव लग रहा वहीं लूट रहा है। तो इसके लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, हर एक काम का एक समय होना चाहिए, इतने दिन में ये काम हो जाएगा, एप्लीकेशन डालो काम हो जाना चाहिए। विदेशों में ऐसे ही होता है भाई, जमीन की रजिस्ट्री करा दी भाई, 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने का टाइम रख दो, तीसरे महीने दाखिल खारिज अपने आप हो जाए, ये सारा भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगा।
क्या मतलब किसी काम, जो हर एक काम की एक तासीर होनी चाहिए कि भाई एडमिशन का काम है तो एक सप्ताह के अंदर, भाई कोई राशन कार्ड का काम है तो महीने भर के अंदर, दाखिल खारिज का काम है तो भाई 2-3 महीने के अंदर, जो भी उसका टाइम फ्रेम बना दे। और उतने समय में जो अधिकारी काम ना करे तो उसका तनख्वाह काटी जाए, और बार बार वो गलती कराए तो उसको सस्पेंड कर दिया जाए, दूसरे बहुत बेरोजगार घूम रहे लगा दिया जाए उसकी जगह। इसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, ये दूसरा समाधान है। और तीसरा समाधान क्या है भ्रष्टाचार का? तीसरा एक साधारण समाधान है, सदाचार को बढ़ाओ भ्रष्टाचार अपने आप मिट जाएगा। अब सदाचार खत्म होता जा रहा है तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा भाई। चलो अब अगली बात बताता हूं, बड़ी मैंने बहुत ये मैं लिखता रहता हूं, बैठ बैठ के सोचता रहता हूं, यही चिंतन करता रहता हूं। अब अगली बात आपसे बता रहा हूं जरा, देश में से जो है अपने को बेरोजगारी खत्म करनी है तो क्या करना पड़ेंगे? तीन काम भाई, हम कहेंगे देश की बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करने के भी उपाय बताऊंगा अभी। देश में से अब हमें तो हम कह रहे ना हम एक अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, कैसे बनेगा लोग पूछेंगे, बाप बेरोजगारी कैसे खत्म कर दोगे बताओ? सबसे पहला काम, कच्चा माल बाहर जाना बंद कर दो। हिंदुस्तान का हर साल कई लाख करोड़ रुपए का कच्चा माल, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, बॉक्साइट और बहुत थोड़ी थोड़े ऐसे बहुत महंगे मिनरल्स वो बाहर भेजते रहते। कच्चा माल बाहर जाना बंद, सारा तैयार माल यहीं कराओ, कम से कम 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। खाली कच्चा माल बाहर जाने से रोक दिया और अपने देश में पैसा बढ़ेगा। हम लोहा बेच देते हैं 5 रुपए किलो बाहर और स्टील खरीदते हैं 50 रुपए की, चीन को बेच रहे हैं सबसे ज्यादा हम लोहा, दे दनादन भर भर के जा रहे हैं और पूरे के पूरे जहाज भर भर के जा रहे हैं। बंदरगाह पर मैंने जाके देखा तो मेरा दिल रोता रहे भाई, तो पूरा देश पहले भी लूट रहा था आज भी लूट रहा है। कच्चा माल 1 ग्राम भी बाहर जिस दिन नहीं जाएगा और हिंदुस्तान का माल हिंदुस्तान में रहेगा तो हिंदुस्तान माला माल होगा और देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, इसके पीछे बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, ये छोटी बात नहीं है। दूसरा, अपने देश का एक काला धन वापस आएगा तो इसको काला में इंडस्ट्री में सर्विसेज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो इतना रोजगार बढ़ेगा बेशुमार, खेती में 3 गुना ज्यादा उपज हो जाएगी।